एक दूसरा सवाल ये था कि आपने प्रेसिडेंट ओबामा को एक ख़त लिखा था क्राइसिस के बारे में, हाँ जी तो उसमें आपने फरमाया था कि जो 1934 का जो क्राइसिस था और उस और आज की क्राइसिस में सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? सिमिलैरिटीज यही है कि करेंसी खत्म, जो यूरो क्राइसिस हो रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा सिमिलैरिटी? रिव्यू ऑफ रिलीजन में है, वो ख़त शाया हो गया जी और उसने उन्होंने उन्होंने एक अकलमंदी की आप जैसे लोगों को समझाने के लिए कि उन्होंने 1932 की जो तस्वीरें थी ना, बैंकों के सामने लोग खड़े हैं और पैसा मनी विदड्रॉ कर रहे हैं, और आप जो पैसे 2008 में 2010 में जो क्राइसिस आया उसकी, जो बैंकों के सामने रश हुआ है और पैसे लोग विड्रॉ कर रहे हैं, और फिर बल्कि अब फिर खबरों में आने लगे, अब टीवी की खबर अगर आपने देखी हो तो, कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बैंकों में जाके अपने विदड्रॉल शुरू कर दिए पैसों की। तो एक तो ये सिमिलैरिटी है, चीज़ें आसमान पर चढ़ गई हैं, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, तो ये सारी सिमिलैरिटीज ही हैं ना, और क्या है? जी चलो जी जजाकुल्ला।